दोस्तों, फ्रेंडशिप विद मैथ्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 17 से करने जा रहे हैं। देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को ये दिया गया, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, यहाँ पर ना तो ये स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है, यानी तो इसको हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, क्योंकि ई का पावर एक्स को यदि हम लोग टी लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें से e का पावर x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए, डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, हम लोग यदि कॉमन ले लिया यहाँ से तो यहाँ तो बचेगा 1 अपॉन ई का पावर x, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों को डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन ई का पावर एक्स क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर -x -1 हो जाएगा, क्योंकि पावर को हम ऊपर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। अब देखिए, और लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग रूट में लिख देंगे। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन रूट अंडर ई का पावर एक्स इंटू रूट अंडर ई का पावर -x -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट ए बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। तो वैसे यहाँ पे क्या है, दो रूट, दो नंबर क्या था, रूट में था, इसको अलग अलग रूट में लिख देंगे। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया डी एक्स अपॉन, इसको लिखेंगे ई का पावर एक्स, इसका पावर हाफ लिख सकते हैं रूट हटाएंगे, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, ई का पावर -x -1, ठीक है, लिख सकते हैं इतना। अब देखिए, इसको ऊपर शिफ्ट करने दिया हो जाएगा ई का पावर -x/2 लिख सकते हैं, इसको पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया, ई का पावर -x/2 विथ डी एक्स अपॉन रूट अंडर ई का पावर -x -1, ठीक है। अब देखिए, इसमें जितना सारा फॉर्मूला है सब स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ई का क्या हम लोग ई का पावर -x को ऐसे लिख सकते हैं, ई का पावर -x/2 का होल स्क्वायर, पावर से पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कट जाएगा, तो फाइनली कितना होगा, ई का पावर -x ही बच जाएगा, ठीक है। इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, ई का पावर -x को लिख सकते हैं, ई का पावर -x/2 का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इतना हो जाएगा। इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों को ई का पावर -x/2 विथ डी एक्स अपॉन रूट अंडर ई का पावर -x/2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या है, टी लेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स के साथ में क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे कोफिशेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे कि पुट टी इक्वल टू ई का पावर -x/2, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाए डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई का पावर -x/2 इंटू -x/2 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये कितना हो गया फाइनली, तो हो जाए डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ई का पावर -x/2 बाई में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2DT इक्वल टू हो जाएगा -e का पावर -x/2 dx हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हम लोग e का पावर -x/2 dx का वैल्यू निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा -2TDT हो जाएगा, -2DT इक्वल टू हो जाएगा e का पावर -x/2 विथ dx, इतना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों को -2DT बाई में रूट अंडर, ये हो जाएगा हम लोगों को टी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल है, ये x हो गया, ये क्या है, a है, 2 -2 लोग कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है।
ये हो जाएगा हम लोगों को डी टी अपॉन टी का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 1 का स्क्वायर। तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स ये रूट में रहेगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस 2, इसका होता है डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है लॉग मॉड ए, ये कितना है टी है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 2 लॉग मॉड टी, टी क्या लेट किए थे ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस रूट अंडर। देखिए अब यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, देखिए क्योंकि टी यदि मान लीजिए कि यहाँ पे ई का पावर माइनस एक्स बाई 2, तो इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा ई का पावर माइनस एक्स बचेगा। तो इसको ऐसे भी लिख दीजिए ई का पावर समझने के लिए माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस 2 लॉग ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस रूट अंडर ई का पावर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये हम लोगों का इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की जगह पे ये कॉस 2 थीटा ऐड कर लेंगे तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा कॉमन लेके, लेकिन ये सब इसका स्पेशल इंटीग्रल का है तो उसको हम लोग स्पेशल इंटीग्रल पर ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पहले क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों को ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स हो जाएगा विथ डी एक्स, इसको रेशनलाइज कर दिए, अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा हम लोगों को रूट अंडर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देख रहे दो बार आया है, अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर विथ डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे इसको अलग अलग रूट में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा विथ डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली हो गया हम लोगों को ए माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म ऊपर में नीचे में सिंगल टर्म, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों को ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स हो जाएगा। इसको हम ए को बाहर कर लेते हैं, ये हो जाए ए डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स, ये तो सब्स्टिट्यूशन पे ही बन जाएगा, यहाँ पुट कर लें, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इसको हम लोग आई वन या आई टू। तो देखिए आई वन को हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में रहता है, इसका क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स, एक्स या एक्स ही है, ए की जगह पे ए ही है, ठीक है। माइनस इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए तो पुट टी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये हो जाएगा हम लोग माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग को माइनस डी टी अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं माइनस डी टी अपॉन टू बाई में रूट अंडर
ठीक है। अब देखिए इसे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस माइनस प्लस, ये 1/2, ये हो जाएगा हम लोग को डी टी अपॉन रूट अंडर टी। ठीक है। अब देखिए इसे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि यदि डी टी अपॉन रूट टी रहता है इसका इंटीग्रेशन 2√t होता है प्लस से। ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस 1/2 इंटू 2√t प्लस सी हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग को ए साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस √t, टी था हम लोगों को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक्स वाला टर्म है और ये क्या है ए वाला टर्म है। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह कितना है 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिया हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है -1, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे -1 से हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ध्यान रखना है इसको, यदि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव भी रहेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे जो एक्स का कोएफिशिएंट रहेगा। अभी निगेटिव साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड में 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, पहले इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा माइनस 2ab, 2 × 1 × 2 तो ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस लॉग मॉड में 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4/1 क्या हो जाएगा 5 प्लस सी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बेसिस पे ही, इसको हम लोग 1 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, और ये क्या है एक्स है, ये क्या है ए है, वेरिएबल वाला टर्म क्या होता है एक्स होता है और कॉन्स्टेंट वाला टर्म क्या होता है ए होता है। ठीक है। तो आप देखिए डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह पर एक्स -3 है प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स -3 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स -3 प्लस रूट अंडर, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही हो जाएगा विथ निगेटिव साइन यहाँ पे। अब देखिए इससे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स -3 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा प्लस 8 प्लस सी, यही हम लोगों का इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन, इसका थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा नंबरिंग में गलती हो गया है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 20 नहीं है, ये क्वेश्चन हम लोगों को है 21 नंबर है। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, 21 नंबर ये है। ठीक है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन जो था हम लोगों को, ये क्वेश्चन हम लोगों को 20 है। ठीक है, उससे पहले सही है, तो हम लोगों को बच गया इसमें 19 नंबर क्वेश्चन बच गया। ठीक है,
देखिए 99 क्वेश्चन को बनाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है 20 नंबर। देखिए हम लोग इसका बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वो भी आसान है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, यह डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उस फॉर्म में लाएंगे, तो हो जाएगा हम लोग डी एक्स अपॉन रूट अंडर इसको लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस साइन है तो प्लस डालेंगे, 2 इंटू ए का जगह पर रहेगा एक्स रहेगा, इंटू बी का जगह क्या रहेगा एक्स का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसका हाफ, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ab, बी क्या होता है एक्स का जो कोएफिशिएंट रहता है उसका हाफ होता है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ये हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस 5। समझ रहे हैं आप लोग, एक बार फिर से देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस रहेगा तो प्लस डालेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस डालेंगे, 2 इंटू ए की जगह कितना है एक्स है, इंटू बी, बी क्या होता है एक्स का जो कोएफिशिएंट रहता है उसका हाफ होता है, 6 का हाफ कितना 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस इसका प्लस बी स्क्वायर हम लोग क्या करें माइनस, इसी चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर आगे जो कॉन्स्टेंट रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग तो बहुत बार बना चुके हैं, अब देखिए इससे आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को डी एक्स अपॉन रूट अंडर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ तक हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 में से 5 में से 9 गया तो कितना हो गया माइनस 4, ठीक है। अब देखिए इसे आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोगों को आता है, अब देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देखिए ये हो गया एक्स, ये हो गया ए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह कितना होता है एक्स प्लस 3, एक्स की जगह कितना है एक्स की जगह एक्स प्लस 3 है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस 3 प्लस रूट अंडर, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन ही आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसी चीज़ को तो हम लोग ब्रेक कर किए हैं तो ये आया है, ठीक है, यानी तो यहाँ पे सॉल्व ही कर लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ab करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 6x प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, सॉरी माइनस 1 नहीं, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है प्लस सी। अब देखिए इससे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों को लॉग मॉड एक्स प्लस 3 प्लस रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 5 प्लस सी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं, और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।